नमस्कार दोस्तों, चमारों को नीच कहने वाले कथावाचक संत रामभद्राचार्य ने अब मांग ली है समाज से माफी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की खतरनाक धमकी और उसके बाद पूरे दलित समाज का, आपको बता दें कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आवाज उठाना रामभद्राचार्य के लिए भारी पड़ गया। आपको बता दें कि हाल ही में रामभद्राचार्य ने आपको बता दें कि एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो बोल रहे थे कि जो राम को नहीं भजते वो चमार है और चमार जो राम को नहीं भजते वो नीच है। ये बात आपको बता दें कि रामभद्राचार्य ने एक कथा में बोली थी। इसके बाद आपको बता दें कि उनका यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद जब चंद्रशेखर आजाद को पता लगा तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के घटिया कथावाचक संत सुधर जाए नहीं तो भीम आर्मी का इलाज कर देगी। हाल ही में उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए भी कहा था कि रामभद्राचार्य सुधर जाए नहीं तो हम उनका इलाज करने के लिए तैयार है, जहां पर मिलेगा वहीं पर भीम आर्मी उनका इलाज कर देगी। ये बात आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद लगातार बोल रहे थे, काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे चंद्रशेखर आजाद रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर। इसके बाद आपको बता दें कि अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तमाम प्रेशर के बाद रामभद्राचार्य ने एबीपी न्यूज के मुताबिक माफी मांग ली है। जी हां मित्रों, आपको बता दें कि रामभद्राचार्य का अब बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं सभी वर्णों का सम्मान करता हूं, मैंने किसी जाति के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैं जिस संप्रदाय का आचार हूं वह हरिजन जाति में पैदा हुए। रामभद्राचार्य ने कहा, मैंने सिर्फ यह कहा कि जो राम विरोधी है वो ऊंचे कुल का होकर भी हमारे लिए निंदनीय है, पर जो राम का मानने वाला है वो किसी भी कुल का हो हमारे लिए पूजनीय है। आगे आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सनातन में जातिवाद नहीं है। संत जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि तुलसी ने सत्सई में चमार शब्द कहा है, वह जाति सूचक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भजता वह चमड़े का प्रेमी अर्थात चमार है, वह किसी भी कुल का हो। उन्होंने कहा कि सनातन में जातियां हैं लेकिन जातिवाद नहीं है। तो अब आपको बता दें कि रामभद्राचार्य ने इस बयान में सफाई देते कहा कि मैंने जो चमार शब्द का है वो प्रयोग किया था, लेकिन वो इस तरीके से नहीं किया था कि चमार जाति को अपमानित करने के लिए किया था। अब आपको बता दें कि रामभद्राचार्य ने माफी मांग ली है। फिलहाल आगे क्या वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से और दलित समाज की, खासकर जाटव समाज पर इसका क्या कुछ प्रतिक्रिया और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कहना रहता है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं। अब माफी मांग ली है, इनके साथ क्या करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।